तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इसको सिंपल तरीका से सोल्व करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आप बेसिक को याद करके रखिए और इसमें जो बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले सबको बारी बारी से इसको डिवाइड कर लेते हैं, इससे 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 बारी बारी से सब में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर है, तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर बाई, इसको ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। आखिर इसी का एलसीएम निकाल के इस तरह से हुआ ना, तो इस तरह से सबसे हम लोग डिवाइड कर लिया। डी एक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे चलते हम लोग, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू है, दो है यहाँ पर तीन है, तो कट जाएगा तो एक बचेगा एक्स, तो एक्स लिख दिए प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा पाँच माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इसको बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो एक्स डी एक्स प्लस फाइव डी एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हम आपको पहले वाले चैप्टर में भी बताए थे, अब यहीं पर ही आप देख लीजिए थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए वन बाई एक्स क्यू है या वन बाई एक्स स्क्वायर है, तो अगर उसको ऊपर लाएंगे तो एक्स है, यहाँ पर ऊपर प्लस है, जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, वैसे ही अगर थ्री है तो एक्स का पावर माइनस थ्री हो जाएगा, समझ गए। हमेशा इस तरह से आप लिखिएगा, तो ऊपर में है तो यहाँ पर क्या होगा एक्स माइनस टू डी एक्स, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हम लोग, देखिए एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पावर वन है, तो एक्स वन प्लस वन बाई वन प्लस फाइव फाइव, फिर पाँच को बाहर निकाल दिए, बचा क्या वन डी एक्स माइनस, फिर फोर को बाहर निकाल दिए एक्स, ये अंदर बच गया, समझ गए। चलिए आगे चलते हम लोग, तो एक्स का पावर कितना प्लस सी लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एक का इंटीग्रेशन निकल चुका है, दो बाई दो हो गया प्लस फाइव हो गया। देखिए वन डी एक्स का फार्मूला होता है इसका एक्स, देखिए अगर डिफ्रेंशिएशन अगर निकालते हैं तो एक्स एक्स का डी बाई डी एक्स का एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो वन होता है, अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है फोर हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे इसका एक्स माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये फार्मूला आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बार बार ये फार्मूला कोई चीज होगा ही होगा, क्योंकि बेसिक है एक्स एन प्लस वन मैंने एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव एक्स माइनस, देखिए फोर है इंटू एक्स, देखिए इसमें से घटेगा तो कितना होगा एक्स का पावर माइनस वन होगा, और इसमें से घटेगा तो यहाँ पर माइनस वन होगा, जो कि ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस नीचे नहीं रहता डायरेक्ट ऊपर चल जाता है प्लस ही। चलिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स का पावर टू प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स का पावर माइनस वन प्लस सी, ये हम लोग का हो गया आंसर बहुत ही सिंपल तरीका से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लास 12th और एन सी आर टी टू क्लास 12th एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग पहले ही दो वीडियो में 1 से लेकर 6 और 6 से लेकर तक 11 तक सॉल्व कर दिया, आप वहाँ से पिछला वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक के बारे में बता दिए हैं पिछला वीडियो में, बेसिक के बारे में जा करके देख लीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बारी बारी से इसको भी जिस तरह से 11 क्वेश्चन में किए थे इसको बारी बारी से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक्स का पावर थ्री बाई उसको डिवाइड करेंगे रूट एक्स प्लस थ्री एक्स बाई रूट एक्स प्लस फोर बाई रूट एक्स डी एक्स, समझ गए। चलिए सबको तोड़ लेते हैं,
अलग अलग तोड़ लेते हैं या अलग अलग इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ भी, और रूट एक्स डी एक्स प्लस थ्री को बाहर निकाल लेते हैं डायरेक्ट, एक्स बाई रूट एक्स प्लस फोर को भी बाहर निकाल लेते हैं, वन बाई रूट एक्स डी एक्स, सब में डी एक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई वन एक्स, एक्स का पावर वन बाई टू, रूट एक्स को वन पा, या तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं या इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो चलिए हम इसको इस तरीका से लिख लेते हैं, तो एक्स का पावर थ्री, एक्स का पावर वन बाई टू हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा प्लस। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ही भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही काफ़ी सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा। आप अंडर रूट एक्स का क्या करेंगे, एक्स बाई वन बाई टू लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस फोर वन बाई एक्स का पावर वन बाई टू डी एक्स, समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ तक तो इतना समझ गए, चलिए आगे हम लोग को क्या करना है आप देख लीजिए। अब यहाँ पर भी और एक फार्मूला को आपको यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और बताते हैं आपको। देखिए एक्स का पावर एम रहे और एक्स का पावर एन रहे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का पावर एम प्लस एन हो जाता है, या एक्स का पावर एम डिवाइड रहे एक्स का पावर एन रहे तो एक्स रहेगा और एम माइनस एन हो जाएगा। अगर x का पावर m बाई x का पावर n रहे तो क्या हो जाएगा, x का पावर m माइनस n होगा। ये तो फार्मूला आपको नाइन टेंथ में बिल्कुल अच्छा तरीका से पढ़े होंगे। तो चलिए इसमें भी ऐसे करने वाले, दोनों का क्या है, दोनों का सेम है तो इसको भी वैसे ही कर लेते, x थ्री माइनस वन बाई टू डी एक्स प्लस थ्री तो बाहर ही है, x है एक्स है, अब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वन है, पहले से वन छिपा रहा था, देखिए वह इसका वन है, माइनस वन बाई टू हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा प्लस फोर तो पहले से बाहर निकला हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा एक्स, अब देखिए माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए हम आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे, देखिए एक्स का पावर वन बाई, जैसे यहाँ पर दो हो तीन हो चाहे वन बाई टू हो, तो यहाँ पर एक्स जब ऊपर में रहता है तो माइनस हो जाता है, वन बाई टू हो जाता है, या एक्स का पावर थ्री भी रहता है तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री हो जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं आने वाला है। चलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक्स, अब देखिए इसका जब बटा पक के जोड़ निकालना पड़े तो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें गुना कर लिया जाता है, तीन दुना छः, घटाना है एक, कितना बचा पाँच, पाँच बटा दो। डायरेक्ट आप करने की कोशिश कीजिए क्योंकि एग्जाम में इतना काफ़ी तो समय रहता नहीं है। इसको दो माइनस वन तो एक्स का पावर वन बाई टू हो जाएगा डी एक्स प्लस फोर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर तो ये कुछ करना है नहीं, माइनस वन बाई टू हो गया। चलिए हम आगे बनाते हैं इसको, यहाँ पर डी एक्स बच गया था। चलिए अब इसको हम आगे बनाते हैं हम लोग। चलिए अब सारे का बारी बारी से इंटीग्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं क्योंकि सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो एक्स एन प्लस वन होता है आपको पता है क्या, तो यानी कि फाइव बाई टू प्लस वन, फाइव बाई टू प्लस वन हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा, एक्स वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा बटा में वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा प्लस फोर तो बाहर ही है, और एक्स का पावर होगा तो क्या होगा, एक्स वन बाई टू माइनस में है प्लस वन होगा, और यहाँ पर माइनस वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको बारी बारी से सोल्व करते हैं। अब ये आप ये बोलेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से हुआ, तो हम बार बार यही फार्मूला बता रहे हैं कि x का पावर n का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x n प्लस वन बाई n प्लस वन हो जाता है। तो चलिए बटा का जोड़ निकालते हैं। देखिए x है
तो हम आपको बताए थे अगर बटा का नीचे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको गुना करते, दो दो में वन से गुना करेंगे दो हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे पाँच बाई दो हो जाएगा, एक्स का बावन सॉरी पाँच और दो सात हो जाएगा ना, सात बाई दो बटा इसी तरह से यहाँ पर दो प्लस पाँच कितना हो जाएगा सेवन बाई टू हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, एक्स होगा दो एक तीन, तीन बाई दो हो गया, इसका भी तीन बाई दो होगा। आप ले ये मत बोलिएगा कि ये कहाँ से आ रहा है क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और देखिए दो में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, एक्स का पावर वन बचेगा, दो में से एक घटेगा कितना बचेगा वन बाई टू हो जाएगा प्लस सी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए हम आपको अब बताते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखिए जब यहाँ पर बटा का बटा रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर ये ऊपर चला जाता है ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो ऊपर लिखेंगे बटा में सेवन लिखेंगे, फिर एक्स और सेवन बाई टू, ये इसको उल्टा कर देंगे तो दो बाई सेवन हो जाएगा और एक्स का पावर सेवन बाई टू हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी करेंगे, ये तीन चलिए इसी को पहले दो कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेंगे तीन कर लेंगे, बटा में ऊपर तीन है और एक्स का पावर थ्री बाई टू है प्लस फोर है। फिर देखिए इसको ऊपर कर लेंगे बटा में वन लिख देंगे, एक्स का पावर वन बाई टू प्लस सी। देखिए फिर आपको क्या करना है, प्लस चार दूनी आठ हो जाएगा, फिर एक्स का पावर वन बाई टू प्लस सी हो गया, ठीक है। चलिए हम और हम लोग और अच्छा से अरेंज कर लेते, तो टू बाई सेवन एक्स का पावर सेवन बाई टू प्लस टू एक्स थ्री बाई टू प्लस आठ एक्स का पावर वन बाई टू प्लस सी। तो हम देखिए यहाँ तक तो ये बन गया, ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, इस पूरी तरीका से सोल्व हो चुका था। फ्रेंड्स आप इस तरीका से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप में भी आप लोग अच्छे से आकर के ज्वाइन कीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सारा सोल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले क्वेश्चन में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं 9th 10th 11th 12th का सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश सारी का सोल्यूशन यहाँ पर मिलता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले क्वेश्चन में।